मैंने स्विट्जरलैंड से टेक्नोलॉजी लाई, रोप वे, केबल कार, फेरेकुलर रेलवे। अब तो मैं बेंगलोर में डबल डेकर बस 250 लोग हवा में उड़ते हुए जाएंगे वो शुरू कर रहा। आपने हम लोग 260 रोप वे, केबल कार और फेरेकुलर रेलवे का निर्माण कर रहे हैं। मैं आपको एक टेक्नोलॉजी बताऊंगा कि ये ट्रक का और ट्रैक्टर का डाला रहता वैसा पूरा एयर कंडीशन ऊपर में ग्लास लगाकर रेलवे के रूट से ऊपर चढ़ता है 8-10 करोड़ में। ये पहाड़ी पर रहने वाले लोगों को अभी गोवा में बना है, आप जाएंगे तो वो देख लो। IIT के अपने इंजीनियर से बनाया। मैं कहूंगा कि पहाड़ी के लोगों को उनका जीवन सुसह्य करने के लिए अगर इस प्रकार की पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इलेक्ट्रिसिटी, रोप वे, केबल कार, फेरेकुलर रेलवे, स्काई बस होगी तो उत्तराखंड के लोगों का जीवन बहुत सुसह्य होगा। मैं आपको एक ही चीज मांग रहा हूँ, आपके पैसे की कोई जरूरत नहीं, मेरे पास लक्ष्मी प्रसन्न है, आप जो मांगेंगे वो मैं पूरा करूंगा। मैं जानता हूँ पैसा कैसे फैलाता है। आप एक ही काम करिए, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट के क्लियरेंस और लैंड एक्विजिशन का काम करिए। आज मैं यहाँ पढ़ने वाला था आपके कलेक्टर के और फॉरेस्ट अधिकारी के नाम, वो फॉरेस्ट के ऊपर मेरा बहुत गुस्सा है। इन्होंने आपके 10,000 करोड़ के काम लटका कर रखे हैं। अगर आज ये काम क्लियर कर देते तो मैं आज और 10,000 करोड़ रुपए के काम आपके लिए घोषित कर सकता था। आपने मुझे आश्वस्त किया कि आप जैसे ही जाएंगे तो फॉरेस्ट और आपके कलेक्टर को, मैंने उनके फोन नंबर और नाम तक मेरे साथ लेके आया, पर मैं आज उनके नाम नहीं लेता, पर अगले बार अगर नहीं करेंगे तो नाम की लिस्ट पब्लिक के लिए जाहिर करूंगा। तो आप इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करिए और ये काम करिए, मैं 10,000 करोड़ के काम आपको शुरू करके दूंगा। उत्तराखंड में करीब 16,500 करोड़ की लागत से आपके सिफारिश के ऊपर हम 60 रोप वे का निर्माण कर रहे हैं, गौरीकुंड से केदारनाथ 1300 करोड़, 9.7 किलोमीटर। इसमें 10 घंटे का यात्रा समय बचकर 40 मिनट हो जाएगा।